एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि ऑब्सेस्ड विद क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में कब बोले ऑब्सेस्ड विद। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा, हमें अपने लाइफ में कई बार इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं मुझे किसी चीज का जुनून सवार है या उसे किसी चीज का जुनून सवार है। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने का जुनून सवार है, उसे पैसा कमाने का जुनून सवार है, उसे खून खराबा करने का जुनून सवार है, मुझे एक कार खरीदने का जुनून सवार है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं किसी काम को करने के लिए जुनून सवार होना, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे टू बी फॉर्म। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप कहेंगे इजारम, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप कहेंगे वॉज वर्ब। उसके बाद आप ऑब्सेस्ड विद के साथ एक जेरन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम ऑब्सेस्ड विद टीचिंग इंग्लिश, यानी मुझे इंग्लिश पढ़ाने का जुनून सवार है, उसे पैसा कमाने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑब्सेस्ड विद अर्निंग मनी, यानी उसे पैसा कमाने का जुनून सवार है, उसे एक बड़ा यूट्यूबर बनने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑब्सेस्ड विद बीइंग अ बिग यूट्यूबर, उन लोगों को खून खराबा करने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे आर ऑब्सेस्ड विद डूइंग ब्लडशेड, यानी उन लोगों को खून खराबा करने का जुनून सवार है, उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज ऑब्सेस्ड विद कुकिंग, यानी उसे खाना पकाने का जुनून सवार है, उसे फॉरेन जाने का जुनून सवार है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is obsessed with going to foreign। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि obsessed with का मतलब समझ में आया, कि जब कभी भी आपको कहना हो किसी काम को करने का जुनून सवार है, यानी किसी काम को करने के लिए दिल या दिमाग पर नशा छाया हुआ है, तो वहाँ पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेज कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।